कॉस्मिक बाइट डीमिस। हमने ना एक्चुअली कॉस्मिक बाइट के काफी सारे प्रोडक्ट्स रिव्यू किए हैं, जैसे कि माउस हो गया, हेडफोन हो गए, हेडफोन स्टैंड, कंट्रोलर भी किया था, कुछ कीबोर्ड्स भी किए हैं। तो ऐसे करते करते हमने कॉस्मिक बाइट के ऑलमोस्ट बहुत से प्रोडक्ट्स यूज किए हैं। अब हर फील्ड में तो उसके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो देखो, कॉस्मिक बाइट की तरफ से मेरे पास आ जाए कॉस्मिक बाइट डीमिस गेमिंग माइक्रोफोन, जो कि कंडेंसर माइक्रोफोन है। एंड मेरे को भी एक्सपीरियंस करना था कि लाइक कॉस्मिक बाइट का अगर कोई माइक आता है तो कैसा आएगा, क्योंकि गेमिंग कैटेगरी में ये लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी लॉन्च कर ही रहे हैं, कर भी चुके हैं। बॉक्स खोल लेते हैं। सबसे पहले आ गई अपनी यूजर गाइड, एक ये अपनी कनेक्टिंग केबल देखने को मिल जाती है जो कि अपनी टाइप सी वाली है, एक ये विंड मफ देखने को मिल जाता है, नॉइस कैंसिलेशन का थोड़ा सा सपोर्ट आ जाएगा, एंड फिर अपना ये फाइनल माइक। आउटर लुक्स के बारे में अगर हम बिल्ड्स एंड आउटर्स की तरफ सबसे पहले बढ़ के बात करते हैं, पर की तरफ आपको वही म्यूट का बटन देखने को मिल जाता है, मेटलिक तो नहीं बोलेंगे बट एक अच्छे खासे प्लास्टिक में ना कंडेंसर माइक का एक पूरा स्टैंड टाइप फील दिया है। जैसे हमने कुछ टाइम पहले एक एंटी स्पोर्ट्स वेंटी का रिव्यू किया था, कुछ इस टाइप का सिमिलर डिजाइन सा मेरे को फील आता है। कुछ म्यूट का बटन जैसे ऊपर है, नीचे भी कॉस्मिक बाइट का जैसा लोगो बना हुआ है उसके अंदर भी आपको मिल जाएगा। कुछ इंक्रीज के वॉल्यूम बटन जिससे आप अपनी वॉइस को गेन कर सकते हो, फिर कुछ एकोइश बटन भी मिल जाता है जिससे आपकी वॉइस जो है वो एको होगी, तो ये इनबिल्ट माइक के अंदर मिल जाता है। फिर एडिटिंग का क्या काम, एडिटर उसका क्या काम, रिवर्ब माइक के अंदर ही आ रहा है आजकल, मतलब माइक से ही सीधा एको करो। एंड सी टाइप इनपुट है, हाँ सी टाइप इनपुट, कुछ ना कुछ तो फास्ट हो ही गया होगा इसके अंदर। फास्ट से याद आया, 192 किलोहर्ट्ज की सैम्पलिंग रेट के साथ आता है, मतलब क्रिस्टल क्लियर साउंड, आगे पता चलेगा कितना क्रिस्टल है और कितना क्लियर है। बाकी आउटर्स में देखो दिखने लगे कुछ नहीं है, हाँ इसका लुक थोड़ा अच्छा है, ऐसा लगता है जैसे हमने ट्रॉफी पकड़ के रखी। फिर एक हेडफोन का जैक दिया हुआ नीचे जिससे आप जो वॉइस बोल रहे हो वो आपको वापस हेडफोन में सुनाई देगी, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ उस पे ज्यादा ध्यान दूंगा या जो मैं सुन रहा हूँ उस पे ध्यान दूंगा। एनीवेज, ज्यादातर देखो ना तो पूरा माइक ही मतलब एंटी स्पोर्ट्स वेंटे के जैसा है, एंड श्योरली बोलूं तो मैं उसी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपको क्या वॉइस डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा फर्क पता चलेगा, मतलब मैं एंटी स्पोर्ट वेंटे से अभी तक बात कर रहा हूँ, उसके बाद में जब अपन आगे चलो लगे कर ही लेते हैं। अभी एंटी स्पोर्ट वेंटे के जैसा तो है बट वॉइस क्वालिटी दोनों की डिफरेंट है, ऑल्दो दोनों सेम प्राइस रेंज में आते हैं। इसका वॉइस क्वालिटी के बारे में थोड़ा सा चेकआउट कर लेते हैं। हाँ, तो अब जो ये आपको क्लियर क्रिस्टल साउंड आ रही है ना, ये आ रही है कॉस्मिक बाइट डीमिस से, कितने क्रिस्टल है कितने क्लियर है वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी माइक कुछ इस तरीके का है। एक और चीज, इसके अंदर आपको एको का जो बटन है जो एंटी स्पोर्ट वेंटे में आता है वो इसके अंदर आपको नहीं मिलता है, ठीक है, उसके बदले आपको हेडफोन की वॉल्यूम को इंक्रीज एंड डाउन करने का बटन मिलता है, जिसका मुझे बेसिकली देखूं कुछ वैल्यू नहीं लगता है। उसकी जगह अगर एको बटन आ जाता तो ये एक प्लस साइड हो जाता है इसका, तो बस इतनी देर में आपको अंदाजा लग सकता है। बाकी कंडेंसर है, इसका मतलब ये नहीं रख के ही इसको रिकॉर्ड करो, थोड़ा सा उठा के ऐसे घूम फिर के फ्रेम के बाहर नहीं जाना है ऐसे रिकॉर्ड कर सकते हो, बाकी इसको रखोगे तो फिर थोड़ी सी आवाज़ आएगी। बाकी आप इतनी देर में बताओ। बाकी मैं इसके अंदर एक नॉइज़ रिडक्शन का फिल्टर डालूंगा, पहले की जो ऑडियो रहेगी उसमें नहीं डालूंगा, लाइक अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो रहेगा विदाउट नॉइज़ रिडक्शन, मतलब नॉर्मल जो दो नंबर पंखा चल रहा है वगैरह उस पर नॉर्मल साउंड है। एंड हाँ, अब जो मैं ये बोल रहा हूँ ये आ जाएगी अभी नॉइज रिडक्शन के साथ, तो दोनों में फ़र्क आपको थोड़ा सा स्लाइटली पता चल जाएगा। वीडियो 20 सेकंड की जो ये पार्ट है वो 2-3 बार देख लो, पता चल जाता है, पता चल जाएगा ये माइक की जो क्लियरिटी है वो एंटी स्पोर्ट वेंटे से कितनी ज़्यादा सिमिलर है या कितनी ज़्यादा अलग है, बाकी तो और क्या ही बताएं। एंड हाँ, इसके अंदर बताने जैसी एक और चीज़ थी, जैसे कि है ना इसका जो बूम आर्म है वो भी आता है, जैसे हमने एंटी स्पोर्ट वेंटे को रिव्यू किया था ना वैसे इसके अंदर सिंपल बूम आर्म नहीं लगता है। जैसे ये जो सिंपल बूम आर्म है ना, ये अपना माउनो का बूम आर्म है जो मार्केट में इजीली मिल जाता है, अमेजोन से आप ले सकते हो 500 रुपीज का, इसका भी हमने डेडिकेटेड रिव्यू बना रखा है, बहुत डेडिकेशन है हमें बहुत ज़्यादा, तो इसका हमने रिव्यू बना रखा है जिसको आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड ये जो नॉर्मल सभी माइक्स में लग जाता है, जैसे कि कोई भी ऐसा माइक हो जो स्टैंड इनबिल्ट स्टैंड के साथ नहीं आता, जैसे ब्लू येती वाला हो गया, महंगी बातचीत वाला, और ये जो अपने सस्ते वाले माइक्स हैं ज़ेब्रोनिक्स वाला जो हमने भी रिव्यू किया था वो भी आप देख सकते हो, चैनल थोड़ा सा चेकआउट करके सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो इसका एक डेडिकेटेड बूम आर्म आता है, वो भी कुछ 500-600 रुपये का ही आता है, तो वो आप लेके इसको अपने बूम आर्म में भी सेट कर सकते हो। जैसे आपको स्ट्रीमिंग पे एक अलग ही मतलब स्वैग चाहिए ना, जैसे माइक नीचे पड़ा हुआ तो आवाज़ पकड़ेगा नहीं, हमें चाहिए बूम आर्म, हम बूम आर्म पे लगाएंगे, तो वैसा एक आता है, उसका लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगा। बाकी इसकी जो साउंड है, कंक्लूजन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, आपको इसका साउंड लाइक कैसा है कैसा नहीं है, तो साउंड बहुत ज़्यादा लाइक सिमिलर है इसके रेंज के जो माइक्रोफोन्स आते हैं उसमें, बट हाँ थोड़ी सी मुझे ना इसका बेस इंक्रीज लगता है, एडिटिंग की ज़रूरत है उस जगह पे, तो वो चीज़ मुझे इसमें सही नहीं लगी। बाकी आप बता सकते हो आपको ये कैसा लगा,
मुझे अगर देखें ये लेने जाओ तो प्रॉपर गेमिंग करनी है ना, कि हाँ मुझे आके बैठना है, गेमिंग करनी है और स्ट्रीमिंग ही करनी है, तो उसके लिए ये माइक बेस्ट, एक सबसे बेस्ट है। बाकी अगर आपको पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना है या लाइक ऐसे मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ऐसे कुछ वीडियोस आपको रिकॉर्ड करनी है या कुछ और पर्पस में लेना है जैसे कि जूम क्लासेस एंड ऑल, उसके लिए 2500 का खर्चा कोई नहीं करता, वो मुझे पता है, ठीक है। अब करता है तो नीचे कर लो, अमेजोन की लिंक है, मारो ऑर्डर, यूज़ करो, दबा दो माइक को, दबा दो यूज़ करो, ठीक है। तो वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो, बाकी इसमें बताने लायक कुछ है नहीं। अब ये वीडियो को लंबा और कैसे करूं, सब स्पेसिफिकेशन भी खत्म हो गई। कुछ नहीं, बाकी तो फिर कंक्लूड करते हैं, बताओ कैसा लगा, अच्छा लगा तो खरीद सकते हो, बाकी रिव्यू अच्छा लगा सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे सेफ, स्टे सपोर्टिव, मिलते हैं।